इतनी पढ़ाई नहीं की और इतने देर इतना तेरा ज्ञान नहीं है, तू कर जिंदगी के फैसले खुद ले। रही बात प्यार की, तू कह रही है कि हम प्यार से रह रहे हैं और मतलब हम खुशी से रह रहे हैं। 48 घंटा के अंदर देखो जो भी करना पड़ेगा ना हम करेंगे। मैं खुद पढ़वाना चाह रहा हूँ, मेरे को बहुत ज्यादा समझ है। और मनीषा, क्या माँ बाप ने तेरे को प्यार नहीं किया था क्या? मेरा नाम विकास कुमार सैनी है, मैं अहमदाबाद से आया हूँ। कल रात को मैंने सोशल मीडिया पे वीडियो देखा था, वो काका का रोते हुए बोले हमारे पीछे कोई नहीं है, मैं इसके लिए आया हूँ। और मैडम हमारी एक ही मांग है, हमने आज शाम तक लड़की को हमारे हवाले करने की बात कही थी जब ये लोग अंदर गए थे जी। उसके बाद जब ये लोग आए ये बता रहे कि मुन्ने खा पे मुकदमा होगा, चलो अच्छी बात है, उस पर पूरे फैमिली बना। लड़की हमको कब मिलेगी वापस? हम तो लड़की का लिए आया है ना, जयादी के पास रहेगी क्या? वो जयादी के पास रहेगी क्या? हमको लड़की कितने बजे रिटर्न करोगे? आखिर ग्रामीणों का सवाल यही बना हुआ है कि लड़की हमें कब मिलेगी? 900 किलोमीटर से आया है यहाँ, लेकिन प्रशासन ने है वो 48 घंटे का समय दिया है कि न्याय मिलेगा नहीं। हम तो ये चाहते हैं कि जितना जल्दी हो सके हमारी बहन हमारे घर पे सुरक्षित पहुंच जाए। वो जयादी के घर पे नहीं, वो जयादी के घर पे नहीं रहे, उसको बोल बोला फोसला के गया है। यदि ऐसा ना हो तो फिर आप किस प्रकार आगे? वो फिर आप देख लेना, यही देख लेना, देख लेना फिर, क्योंकि जयादियों की खैर नहीं है। वो भी जयादी है जो हिंदू की बहन बेटी को फंसाएगा अथवा उसको गलत तरीके से कुछ भी करके पलट फंसाएगा या किडनैप करेगा, उसकी गर्दन इधर देखो मेरे सामने देख लेना, उसकी गर्दन मैं काटूंगा। मैं अहमदाबाद से आया हूँ, ये मैं मजाक करने नहीं आया हूँ, इसकी गर्दन मैं काटूंगा। ये मेरा आधार कार्ड है, ये देख लेना, मैं गुजरात से आया हूँ।